तो है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है वही दिन जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो, 16th of June। और ये व्लॉग स्पेशली है ट्रिप अपडेट इस जून के एंडिंग होने से पहले, मतलब एंडिंग के पहले ही, मतलब 20-25 के आसपास अपन सोच रहे हैं, अपन प्लान कर रहे हैं ट्रिप के बारे में। जैसे भी होता है, जितने जल्द हो सकता है अपने जल्द निकलेंगे। फिलहाल तो अभी बस डेस्टिनेशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे जा सकते हैं। एक प्लान ऐसा भी बन रहा है, हाँ, लेकिन वो नहीं जो अपन ने मतलब अभी करके आया है लेटेस्ट में, वो हो गया अपना। अभी उसको टाइम है 3-4 महीने, तो भी शेगांव को टाइम है अभी 3-4 महीने बाद जाएंगे वहाँ पे। अब सोच रहा हूँ मैं, शायद अयोध्या निकल सकते हैं, उज्जैन का तो उज्जैन वगैरह भी जा सकते हैं, लेकिन शायद तक तो इस बार नहीं बन सकता, क्योंकि जिनके साथ में जा रहा हूँ वो अभी जस्ट कल उज्जैन से आया है, कल परसों, और मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे थोड़े काम थे, ऑफिस वगैरह जाना था, ऑफिस से मैंने लीव नहीं ली, जो चल रहा था चलने दिया। सो, देखते हैं बहुत जल्द एक प्रॉपर प्लान आउट करके, एक प्लान ऑफ एक्शन करके, शायद तक तो ट्रेन से, ना तो फिर बस से या फिर कार से, ये तीन ऑप्शंस है। देखते हैं कैसे चलना है, क्या चलना है। और फिलहाल ऑफिस भी सही चल रहा है, जो आपको बताया मैंने, अगर नहीं बताओ तो लास्ट के कुछ व्लॉग्स देख लो, समझ जाओगे। और ठीक है, बाकी तो सब चल ही रहा है। और सेकंड चैनल का कंटेंट भी चल ही रहा है, बस उसी के काम से हूँ मैं अभी फिलहाल। 11:13 हो चुके हैं, मतलब हो गया 10-15 मिनट में, वो भी खत्म हो जाएगा आज के लिए, आज वैसे संडे है। वही है, क्योंकि कैसा होता है, मेरा ऑफिस है हफ्ते में 5 दिन सिर्फ, मतलब मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आती है छुट्टी ऑफिस की, लेकिन सैटरडे संडे इधर रश होता है, तो सैटरडे संडे यहाँ पे चला गया, मंडे से वापस वो लाइफ। मंडे से यहाँ पे थोड़ा सा रश कम होता है, लेकिन मंडे से वापस ऑफिस जाना होता है। सो, अगर 4-5 दिन का अपन प्लान करते हैं, तो 4-5 दिन में क्या होता है, अरे यार, तो मैं कह रहा था, अगर 4-5 दिन का अपन प्लान करते हैं, तो कोई भी यही सोचेगा, अगर मैं ऑफिस का सोचूं, तो ऑफिस के हिसाब से मैं मंडे ट्यूसडे की छुट्टी ले लूं, कि मतलब सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे से 4 दिन की छुट्टियां बन जाती है। बट यहाँ के हिसाब से सोचूं तो सैटरडे संडे यहाँ पे रहना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत होता है। फिर जाना है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे जाओ। तो अभी जब अपन जो अपना लेटेस्ट प्लान था, जो अपना लेटेस्ट ट्रिप था, उसमें अपन ने कैसे किया था, मैं निकला था आई थिंक मंडे निकला था मैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सुबह आ गया था मैं, मंडे शाम को निकला 6-7 बजे के आसपास, हाँ 6 बजे उमरेड से निकल चुका था मैं मंडे शाम को 6 बजे उमरेड से निकल चुका था, और वहाँ पे पहुँचे अपन 3 बजे कुछ आसपास। दिन भर पूरा, मतलब ट्यूसडे अपन घूमे, और ट्यूसडे रात को ही, मतलब वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग, लाइक 1-2 PM को अपन, 1-2 AM को अपन निकल गए थे वेडनेसडे मॉर्निंग को, और सुबह 8-9 बजे तक पहुँच गए थे नागपुर। वेडनेसडे पूरा आराम किया, फिर थर्सडे से फिर से जो, तो ऐसा था प्लानिंग मेरा कुछ, मतलब 3 दिन की छुट्टी लेते मैंने इस ट्रिप के लिए, 3 दिन नहीं आऊँगा सर के बोला था। हालांकि मेरा जो ये था, जो मेरा एक्सटर्नल था, वो एक्सटर्नल खत्म हो गया था सैटरडे को ही, तो मैं सैटरडे को ही निकलने वाला था, लेकिन मैं सैटरडे को नहीं निकला, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, तो सैटरडे अपन ने हाफ डे लिया था, सैटरडे मतलब थोड़े दिन, मतलब 3-4 घंटे के लिए उधर गया था मैं, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल कंप्लीट किया, वापस आया, अपनी जॉब कंप्लीट की, जो इधर वाली है, उधर वाली नहीं, वो अलग होगी, इधर वाली जॉब कंप्लीट की, संडे इधर वाली जॉब कंप्लीट की,
मंडे 6 PM तक अपनी जॉब फिर से कंप्लीट करके 6 PM को यहाँ से रवाना, ऐसा होता। इस बार में अपन देखते हैं कैसे क्या प्लान होता है, उसके बाद फिर निकलते हैं। चलो आज के लिए बस इतना, सब कुछ अच्छा लग गया हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब सारी चीज कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द, अभी 2-3 दिन मैंने सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किए थे। चलो बाद में मिलते हैं, बाद में नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ उसको आराम से। चलो बाय।